दोस्तों कैसे हैं आप सब। वीडियो का थंबनेल तो आप देख चुके हैं कि हम किस तरह का डिज़ाइन करने वाले हैं। इस डिज़ाइन को करने के लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में एक PSD फाइल डाउनलोड कर लेनी होगी। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ये लिंक मिल जाएगा कुछ यहाँ पर, इस तरीके से आप उसको डाउनलोड कर लेंगे। उसके बाद आपको अपने मोबाइल का जो क्रोम ब्राउज़र होता है ये ओपन कर लेना होगा। इस तरीके से ये ओपन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से आएगा सर्च बार, आपको इस पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपको डाल लेना होगा 42PEA इस तरीके से। अब यहाँ पर हम इसको सर्च करेंगे और यहाँ पर जो सबसे पहले फर्स्ट वेबसाइट आएगी आपको इस पर क्लिक कर देना होगा। तो यहाँ पर इस तरीके से इसका पेज ओपन हो जाएगा। ओपन फ्रॉम कंप्यूटर यहाँ पर होगा, इस पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ से फाइल वाला ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, इस पर क्लिक कर देंगे। इस तरीके से इस पेज पर आप आ जाएंगे। ऊपर इस वाले आइकन पर आप क्लिक कर देंगे तीन लाइन पर। उसके बाद यहाँ से देखेंगे आपके मोबाइल का जो फोल्डर ओपन करने का ये नाम होता है इस तरीके से आ जाएगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आपके मोबाइल के जो फोल्डर है वो ओपन हो जाएंगे। अब यहाँ पर आपने जिस भी फोल्डर में डाउनलोड करके रखी है आप उस पर क्लिक कर देंगे इस तरीके से, और जिस भी फोल्डर में आपने रखी होगी उस पर क्लिक करके इस तरीके से आप सर्च करेंगे और यहाँ पर जो फाइल है उस पर आपको क्लिक कर देना है। तो ये इस तरीके से लोडिंग लेना शुरू कर देगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर इसने लोडिंग लेनी शुरू कर दी है। अब आपको यहाँ पर वेट करना है 10 से 15 और 20 सेकेंड के बीच में। दोस्तों तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और आप अपना नाम कमेंट में ज़रूर करें ताकि अगली वीडियो में आपके नाम से बना सकूं। तो यहाँ पर लोडिंग लेने के बाद कुछ इस तरीके से इस पेज पर ये आ जाएगा। अब आपको इस वाले आइकन पर क्लिक कर देना होगा। क्लिक कर देने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे बहुत सारे फाइल आपके सामने देखने को मिल जाएगी। अब यहाँ पर जो सबसे ऊपर की है जिस पर हारून लिखा हुआ है उसमें देखेंगे एक डब्बा बना हुआ है बीच में छोटा सा, उस पर आपको दो मरतबा क्लिक कर देना है इस तरीके से। उसके बाद आपको बैक फिर से इसी पर क्लिक कर देना होगा। क्लिक कर देने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे हारून लिखा हुआ है। अब आपको ये इधर उधर बीच में बिल्कुल रख लेना है। बीच में इसकी सेटिंग आप कर देंगे और इस पर दो मरतबा आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपकी जो कीपैड है वो ओपन हो जाएंगी। अब यहाँ से आप जो नाम डालना चाहते हैं इस तरीके से वो नाम आप डाल लेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पर राजा डाल दिया है। उसके बाद आपको फाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। क्लिक कर देने के बाद यहाँ से आपको देखने को मिलेगा सेव स्मार्ट ऑब्जेक्ट, आपको इस पर क्लिक कर देना है और थोड़ा सा वेट करना है। इसमें 5 से 10 सेकंड के बीच में टाइम लग जाता है, तो आपको ये जो है यहाँ से थोड़ा सा वेट कर लेना है। तो इस तरीके से ये हमने वेट किया था तो आ चुका है। अब आपको दिखेंगे यहाँ पर दो ऑप्शन, यहाँ पर एक ये है और एक है हारून, जिस जो फाइल हमारी थी। तो ये जो हारून वाली है आपको इस पर क्लिक कर देना है और थोड़ा सा वेट करना है। इसके बाद ये ऑटोमेटिकली ही आपको नाम बना करके दे देगा। सेव करने का जो प्रोसेस है वो भी मैं आपको बनने के बाद दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसने कुछ टाइम लिया है जिसमें 15 से 20 सेकंड लग चुकी है। अब आपको ये नाम सेव करना है, उसके लिए यहाँ पर ये जो फाइल वाला ऑप्शन है इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ से आपको दिखेगा एक्सपर्ट एस्के वाला ऑप्शन, इस पर आप क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर बहुत सारी आपको मिलेगी जिनमें आप कर सकते हैं PNG, JPG, CVG, GF, इनमें से आपको क्या करना है JPG वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ से कुछ इस तरीके से इसकी सेटिंग ओपन होगी। तो यहाँ से देख सकते हैं एक सेव वाला ऑप्शन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, इस पर आप जैसे क्लिक कर देंगे तो ये आपकी गैलरी में सेव हो जाएगा। दोस्तों बस इतना ही था आज की वीडियो में। उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में।